योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 19 से 25 मार्च तक होंगे कार्यक्रम, ये है प्लानिंग। जयंती विशेष 47 उम्मीदवारों को हराकर काशीराम ने इटावा से जीता था पहला चुनाव, मुलायम ने की थी मदद। जीने की वजह नहीं किसी से प्यार मत करना, बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू ने काटी हाथ की नस। शिवपाल यादव बोले परस्पर सरकार आई तो हर घर के एक बेटे एक बेटी को सरकारी नौकरी देने का बनाएंगे कानून। ममता बनर्जी की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी को चुनाव आयोग ने किया निलंबित। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया आंदोलनरत किसानों का समर्थन। सियावक बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को इस्लाम निकाला, ना तो कहीं दफन होने देंगे ना जनाजे का नमाज पढ़ने देंगे। यूपी मंदिर के अंदर पानी पीने गया मुस्लिम लड़का तो कर दी पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। नीतीश कुमार ने आखिर मीडिया से क्यों कहा, थोड़ा हम पर भी ख्याल रखिए। कोरोना की दूसरी लहर, जुलाई के बाद एक हफ्ते में बढ़े 33% केस। यूपी पंचायत चुनाव 2021 पूर्वांचल में खोई जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस, 155 ब्लॉक अध्यक्षों के साथ मंथन। वसीम रिजवी का सरगर्म करने वाले को 11 लाख का इनाम, इस्लाम से खारिज करने का भी फतवा। यूपी पंचायत चुनाव 2021 सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे अपना दल। कानपुर बैंक धोखाधड़ी केस, एसबीआई ने अपने ही अफसरों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूपी बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, ताजमहल को बताया शिव मंदिर, जल्द बनेगा राम महल। बीजेपी पर अखिलेश यादव का प्रहार, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है सरकार। तीन दिवसीय यूपी दौरे पर रामनाथ कोविंद वाराणसी में सपरिवार की गंगा आरती, साथ में थे सीएम गवर्नर।
सीएम योगी ने अखिलेश यादव के परिवार की तुलना महाभारत के पुत्रों से की, कहा फिर से जम लेकर प्रदेश। उपेंद्र कुशवाहा के जनता दल यूनाइटेड में वापसी करवाकर क्या संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 25,000 से ज्यादा नए मामले, 3 महीने में पहली बार इतने केस।